जी नमस्कार। जो आपको लाइव स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जो खबरें नहीं दिखाता है, वह हम आपको दिखाने का काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सोशल मीडिया एक सच्चा मीडिया है, और सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो समझिए कि क्या होता। जिस समय से पुराने ज़माने में आपने देखा है कि किस तरह से लोगों के साथ बर्ताव किया जाता था। हमारे पास अखबार है, लेकिन जानते हैं कौन लोग हैं? वही लोग हैं। तो जो आज की खबर है सोशल मीडिया पर, सबसे पहले वही हम आपको बता देते हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे अधिक वायरल है। खबर क्या है कि एक सबसे अधिक है कि विराट कोहली का एक लड़का पुत्र जन्म लिया है, जिसका नाम रखा गया है अकाय। लेकिन उसको दिखाने में लाइव स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि उनका नाम शिव भगवान से जुड़ा हुआ है। हालांकि खबर हम विस्तार से बताएंगे। और उसके बाद दूसरा खबर यह है कि तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया बिल्कुल भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीम मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। बहुत कम, छोटा 2-4 मिनट का क्लिप दिखाएगा, लेकिन अगर वही मोदी जी का जो स्क्रिप्ट आएगा, अमित शाह का आएगा, दिन रात वह चलते रहता है। मेरा मानना नहीं है, यह एक सोशल मीडिया पे जो ट्वीट किया है उनका भी हम वही दिखाते हैं कि जो ट्वीट किया हुआ है, जो एक अन्नदाता है। ये कांग्रेस के तरफ से भी एक ट्वीट आया है जो है, आज देश में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मीडिया 24 घंटे टीवी पर पीएम मोदी का फेस दिखाता है। यह मेरा कहना नहीं, यह कांग्रेस का एक ट्वीट आया है, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसपे लिखा है, तेजस्वी यादव ने ठाना है, करके दिखाया है, आगे और बेहतर करके दिखाना है, बिहार में समग्र विकास और विकासोन्मुखी निवेश लाना है, सिर्फ गाल बजाने वाले को हर हाल में हटाना है, यह रोहिणी आचार्य का कहना है। तो आपको बता दें, इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। अब चलिए विस्तार से खबर को जानते हैं। खबर जो है वह आपको लाइव स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, वह खबरें हम लेकर आते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अधिकार के लिए लाइव स्ट्रीम मीडिया को बाइकॉट करिए, और जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है वह खबरें मत देखिए। देखिएगा, अगर उन लोगों को व्यूज मिलेगा, उन लोगों से दूर रहिए। जब तक दूर नहीं रहिएगा तब तक आपको गलत अफवाह गुमराह करते रहेगा, दिन भर कुछ ना कुछ दिखाते रहता है। आप देखते हैं जो भी वह दिखाता है वह मोदी के प्रचार में 24 घंटा लगा हुआ रहता है। हम आपको बता दें, अब विस्तार से चलते हैं। सबसे पहला खबर क्या था? तो सबसे पहला खबर था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। औपचारिक ऐलान जो गोदी मीडिया दिखाता था कि यहाँ इंडिया गठबंधन टूट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दोनों एक बैठकर और वार्तालाप करके और बातचीत का हल निकाला है, उसमें जिसमें कांग्रेस को 17 सीट मिला है और 63 सीट पर चुनाव सपा लड़ेगी, यानी इंडिया गठबंधन को वह फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। वही लेकिन जो गोदी मीडिया है वह दिखाएगा कि जयंत चौधरी जो है वह भाजपा से के साथ गठबंधन कर रहे हैं, सपा से खफा था, यही स्क्रिप्ट उसका रहेगा। लेकिन वैसे लोगों को मत देखिए और धरातल पर अपना मुद्दा को देखिए। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बड़ा ट्वीट किया है, आप जो देखे होंगे। वह खबर क्या था कि खबर था कि मात्र 60 लाख लोग, 45,000 फॉर्म आया था और 60 लाख लोग फॉर्म भरा था उस फॉर्म को। जानते हैं उससे पहले पेपर लीक हो गया, लेकिन कोई उस पर टीवी अखबार डिबेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको जान रहा है कि घाटा होगा। अगर उसमें कौन आएगा नौकरी में, तो दलित, अकलियत, ओबीसी, यही लोग आएंगे। लेकिन जानते हैं जितना जो अभी लाइव स्ट्रीम मीडिया में बैठा हुआ है वही लोग हैं जो आप जिनको जानते हैं अच्छी तरह से। तो समाजवादी के तरफ से एक ट्वीट है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हाल ही में जो परीक्षा हुई है उसका पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पर पहले उत्तर मिल गया, जिसका नाम बहुत सारा सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कौन ऐसा राज्य है जिसमें उत्तर मिल जाता है पहले, यानी उत्तर प्रदेश में ही उत्तर मिल जाता है प्रश्न से पहले। तो 100 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होंगे, जो जिनको मिल गया है वह सफल होंगे, क्या उनको योगी सरकार नौकरियां दे पाएगी? यह बड़ा ट्वीट है अखिलेश यादव का।
तो आपने देखा, और जो भी खबरें होगा वो हम लेकर आएंगे। और तेजस्वी यादव का, जो तेजस्वी यादव एक जन यात्रा पे अभी निकला हुआ है, जो उनकी शुरुआत 20 अक्टूबर से मुजफ्फरपुर से लेकर आज चंपारण की धरती पर है। चंपारण की धरती से तेजस्वी यादव की बहन ने एक ट्वीट किया कि तेजस्वी ने ठाना है करके भी दिखाना है, यह हम आपको दिखा दिए हैं। और आपको एक और ट्वीट जो है रोहिणी आचार्य का, वह है काम यशस्वी नाम तेजस्वी, न कभी डरने वाली चट्टान तेजस्वी तेजस्वी, और बदलाव का तूफान तेजस्वी, सामाजिक न्याय का उफान तेजस्वी, युवाओं का अरमान तेजस्वी, जन जन का स्वाभिमान तेजस्वी, जय तेजस्वी तय तेजस्वी। तो यही खबर है आपको, और फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। हाँ, एक खबर और है, वह खबर है कि दिल्ली में, दिल्ली से आ रही है, वह केजरीवाल को किस तरह से परेशान किया जा रहा है आप देख सकते हैं। जो लोग बोलेंगे उनके पास सीबी ईडीआई भेज दिया जाता है। तो केजरीवाल ने क्या एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा हुआ है, आज हमारा अन्नदाता सड़क पर है, उनको दिल्ली क्यों नहीं आने दे रहे हैं, जो अन्नदाता दिन रात गर्मी सर्दी बरसात में पसीना बहाता है और हमारे लिए अन्न उगाता है, सरकार उनकी बात क्यों नहीं मान रही है। देख रहे हैं किसानों पे किस तरह से, जैसे बॉर्डर पे गोली दागा जाता है उस तरह से गोलियों का बौछार किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, वह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, सोशल मीडिया पर हर खबरें आप लोगों को मिलता हुआ और मिलता भी है और देख